हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं स्वाति। मैं श्वेता। हम दोनों मिलकर प्राइम हाउस प्रॉपर्टी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जो बहुत से क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, मैडम प्रॉपर्टी दिखाइए, पनवेल लोकेशन में प्रॉपर्टी दिखाइए। आज मैं आपके लिए ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे टच बहुत सुंदर शानदार सी प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ। आप मेरी प्रॉपर्टी का लोकेशन जान लीजिए। आपको पता ही होगा कर्जत से पनवेल जो रेलवे का लाइन बन रहा है, उसमें पनवेल से सेकंड नंबर का जो स्टेशन है चौक, चौक स्टेशन से हार्डली 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे मेरा ये प्रोजेक्ट है। अब आप मेरे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में जान लीजिए। मेरी प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी तो काफी सारी है। मेरे प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी में सिप्ला, कैस्ट्रोल, रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज आ जाते हैं और बड़े बड़े फॉर्च्यून सिटीज जैसे कि हिरानंदानी, गोदरेज, वाधवा, वो यहाँ से एक 50 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आ जाते हैं। और आपकी इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेज, शॉप, मार्केट, ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ से 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आ जाती है। चौक स्टेशन यहाँ से 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर आ जाता है। अब आप मेरे प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान के बारे में जान लीजिए। अभी मैं जा खड़ी हुई, ये रेडी टू मूव इन G+7 का स्टोरी है। जो G+7 की रेडी टू मूव इन है उसमें सारे 1BHK फ्लैट्स है, वो मास्टर बेडरूम के साथ में, और G+13 की जो बिल्डिंग्स है उसमें सारे 1BHK 2BHK फ्लैट्स है। फोर्थ फ्लोर का कमर्शियल भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। काफी सारे अलग अलग कार्पेट एरिया के साथ में हम आपको 1BHK फ्लैट दे रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे पार्किंग एरिया की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी हम आ गए हमारे प्रोजेक्ट के पार्किंग एरिया में। आप यहाँ पर अपना 2-व्हीलर, 4-व्हीलर और बाइक पार्क करने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस बचता है, आप देख सकते हो। यहाँ स्टील पार्किंग और ओपन पार्किंग अवेलेबल है। अगर आपको प्राइवेट पार्किंग चाहिए तो उसके आपको अलग से चार्जेस पेड करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्पेस इतना है कि पार्किंग करने के बाद भी काफी स्पेस बचेगा और आपको फ्यूचर में पार्किंग का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आगे बढ़ते रहिए, अब मैं आपको हमारे एंट्रेंस गेट की तरफ लेके चलती हूँ, आ जाइए। तो ये होगा आपका एंट्रेंस गेट। यहाँ पर आपको 2 लिफ्ट दी जाएगी और 2 स्टेयरकेस दिए जाएंगे। आप देख सकते हो लॉबी फुली वेंटिलेटेड है, टाइल्स पर भी काफी अट्रैक्टिव करके दिया हुआ है, ऊपर भी पूरा फॉल सीलिंग किया हुआ है। अब मैं आपको एक शो फ्लैट की तरफ लेके चलती हूँ, लेट्स गो। ये होगा हमारा लॉबी एरिया। लॉबी फुली वेंटिलेटेड है, आप टाइल्स वर्क वगैरह देख सकते हो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव किया है। पर फ्लोर्स आपको 7 फ्लैट्स दिए जाएंगे, 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट है। लिफ्ट को हम पावर बैकअप भी आपको लगा के दे रहे हैं, आप देख सकते हो। आपको आपके घर के बाहर एक प्राइवेट सी जगह मिलेगी जिसको आप अपनी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। ये होगा आपका फर्स्ट नंबर का फ्लैट। आगे बढ़ते हैं एक शो फ्लैट की तरफ। ये होगा आपका लिविंग रूम। इसका कारपेट एरिया होगा 658। आप लिविंग रूम देख सकते हो कितना ज्यादा स्पेशियस है। ऊपर फॉल सीलिंग भी चेक कर लीजिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। साथ में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो अलग से दी गई, वेंटिलेशन विंडो के बाहर। टीवी यूनिट का भी वर्क आप देख सकते हो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल किया गया है। आगे बढ़ते जाइए, अभी हम आ गए आपके किचन एरिया में। एल शेप का मिलने वाला है आपको किचन। ग्रेनाइट का होगा प्लेटफॉर्म। वॉल टू वॉल आपको टाइल्स मिलने वाला है और वेंटिलेशन के लिए मिलेगा आपको विंडो। एडजस्टमेंट का पॉइंट भी दिया गया है, सिंक पर टैप भी दिया गया है, सारे ब्रांडेड फिटिंग्स है। बारी आपके वॉशरूम की, ये होगा आपका वॉशरूम इंडियन फिटिंग के साथ, और बाहर आपको सिंक भी फिटिंग करके दिया गया है। आगे बढ़ते जाइए आपके बेडरूम की ओर, आ जाइए। ये होगा आपका बेडरूम। किंग साइज का बेड रखने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस बच रहा है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको वेस्टर्न फिटिंग का वॉशरूम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, ये होगा आपका वॉलड्रॉप, और आप देख सकते हो बेडरूम में काफी अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग करके दिया गया है। ये होगी आपकी विंडो और विंडो से मिलेगा आपको ये माउंटेन व्यू, और सामने आपको हाईवे भी नजर आ रहा होगा। नीचे लेक भी दिया है जिसको हम डिमोलिश करके सीनियर सिटीजन एरिया करने वाले हैं, जैसे कि चौपाटी। अगर आपको स्पॉट बुकिंग के ऑफर जानने हो, अगर ये फ्लैट पसंद आया हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर हमें कॉल कीजिए और साइट विजिट कीजिए।